यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहाभयापः। यस्यां वै श्रूयमाणायां, जिसको सुनने मात्र से कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण में जो परम पुरुष हैं उनमें भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है पुंसा अर्थात लोगों में, और उस भक्ति के उत्पन्न होने से एक गौण फल होता है, मुख्य फल है भक्ति उत्पन्न होता है सुनने मात्र से, और गौण फल क्या है, शोक मोह भयापह। भूतकाल की बातों को सोच सोच करके हम शोक करते हैं, वर्तमान में हम अपने को शरीर मान करके मोहित होते हैं और भविष्य के चिंता करके भय से ग्रसित होते हैं, तो शोक मोह भयापह, शोक का नाश होता है, मोह का नाश होता है और भय का नाश होता है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका कहते हैं, वो कहते हैं कि श्लोक दिखाता है कि भागवतम को सुनने मात्र से प्रेम उत्पन्न होता है, भागवतम प्रेम उत्पन्न करती है। तो अब कोई अगर दूसरों को भी श्रवण कराने में नियोजित हो, मतलब खुद तो सुना ही उसने, लेकिन अगर दूसरों को भी मदद करे सुनने में, तो कितना लाभ होगा। और अर्थात आयोजन करते हैं कि व्यवस्था करते हैं कि अन्य लोग भी आकर के कथा सुने, और अगर वह स्वयं बोलता है तो कितना लाभ होगा। मान लीजिए कथा कोई और कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को लेके आए ताकि वह भी भागवतम सुन सके, तो उसको लाभ तो होगा, लेकिन अगर वह स्वयं कथा करे तो कितना लाभ होगा। और अधिक कितना लाभ होगा अगर वह दूसरों को भागवतम बोलने के लिए प्रेरित करे, अर्थात श्रीमद् भागवतम का के शिक्षा दूसरों को दे, ताकि वह स्वयं भी श्रीमद् भागवतम के शिक्षक, प्रमाणिक शिक्षक, प्रमाणिक वक्ता बन सके, तो कितना लाभ होगा। यहाँ पे जो भक्ति उत्पद्यते का अर्थ है, भक्ति का मतलब ही है प्रेम। क्यों? क्योंकि पहले वाले श्लोक में 1.1.2 में बोला गया था, ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी, परम भगवान तुरंत ही हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं एक अच्छे भक्त के द्वारा, एक अनुभवी भक्त के द्वारा, जब वह श्रीमद् भागवतम को सुनता है। और जिन्होंने अकस्मात श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा को जागृत किया है, उनके हृदय में भी भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात कथा सुनी नहीं है लेकिन कथा सुनने की इच्छा करी है। और क्योंकि भगवान हृदय में, भक्ति को प्रेम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भक्ति साधना, भक्ति से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से भगवान हृदय में अवरुद्ध होते हैं, इसलिए भक्ति का अर्थ ही है प्रेम। और संसार का नाश हो जाना, भय शोक मोह उत्पन्न नाश हो जाना, यह तो एक गौण फल है भक्तों के लिए, इसको भक्त ना चाहे तो भी अपने आप प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी भक्तों को ये मुक्ति प्राप्त हो जाती है।